आए मिलकर भूख मिटाए, बुझे हुए चूल्हे फिर से जलाएं, गजाई किल्लत के शिकार हजारों अफराद आपकी मदद के मुंतजर हैं। आगे बढ़ें और उनकी उम्मीद बने, अपने सदकात और अतियात MTJ फाउंडेशन तक पहुंचाएं। आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम को सामने रखो। हमारी लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई कल्चर नहीं है, ये उन लोगों का कल्चर है जिनको आखिरत का नहीं पता, जिनको जन्नत का नहीं पता, जो जहन्नम को नहीं जानते, ये उन लोगों का कल्चर। अल्लाह ने हमें पाकीज़ा ज़िंदगी दी है, निकाह पाकीज़ा ज़िंदगी है, निकाह। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप वो मेरे अल्लाह को नापसंद है, मेरे नबी को नापसंद है। और आप चूँकि एक इम्तिहान में हैं कि बच्चियाँ भी जवान बच्चे भी जवान, तो बेटा जन्नत को याद करो कि अल्लाह ताला असल मौज तो जन्नत में होने वाली है, ये तो ऐसे आर्जी ज़िंदगी। आपका कद पता है कितना होगा जन्नत में? 130 फुट, 130 फीट। और इनका भी कद हो जाएगा 130। और जन्नत की हूरें जो हैं वो अब भी इस वक्त ज़िंदा हैं 130 फुट के साथ। ऐसी मैंने बच्चों में बात की तो एक बच्चा बाद में कहने लगा, मौलाना ये इतने कद की ज़रूरत ही क्या है, हम तो इस पर ही खुश हैं। मैं कहा चलो फ़र्ज़ करो तुम 5.5 5.5-6 फुट के जन्नत में चले गए, आगे जो तुम्हारी बेगम है वह हूर या जन्नत की औरत या दुनिया की ईमान वाली, तो उसका कद तो है 130 फुट, वो तो तुम्हें पकड़ के जेब में डाल लेगी। फिर वो एक जोड़ा नहीं पहनती इनकी तरह, वो 100 जोड़े पहनती हैं। और हर जोड़े के पीछे जोड़ा नज़र आता है, हर जोड़े के पीछे जोड़ा नज़र आता है। अब मैंने कुर्ता पहना है, बनियान आपको नज़र नहीं आ रही, वो 100 जोड़ों में उसका हर जोड़ा नज़र आएगा। मैं कहा वो उसने अभी तुम्हें मसलन 85 नंबर जोड़े में डाल लिया, अब तुम घूँ घूँ कर रहे हो मैनू कड्ढो। वो कहेगी तो हैं कितने, वहीं तो पता नहीं पे लगता, फिर तुम्हें पकड़ के लोरियाँ दे, मेरे लाल आ गया, मेरा लाल आ गया है। तो बेवकूफ़, अल्लाह ने हमें डिज़ाइन ही 130 फुट पे किया है। आदम अलैहिस्सलाम 130 फुट थे, अम्मा हव्वा 130 फुट। आपने सुना है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुनिया के हसीन इंसान थे सबसे ज़्यादा, अम्मा हव्वा दुनिया की सारी औरतों में सबसे हसीन औरत थी, सबसे खूबसूरत औरत थी। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो यहाँ बर्दाश्त करो और फिर आगे अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। और अल्लाह ताला, अब आप इतने सारे आए हो मेरे मोहब्बत में तो मुझे खुशी हो रही, मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों ना चाहिए, अल्लाह की दी हुई इज्जत है, मोहब्बत है। जब आप लोग जन्नत में बैठोगे तो अपने मियाँ बीवी के साथ सारे बैठेंगे तो जन्नत के ग़ुलाम आएंगे सलाम करने के लिए, सलामन सलामा सलामन सलामा, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा यार, इतने हमारे नौकर। सबसे अदना दर्जे का जन्नत ही उसके 80,000 नौकर हैं, सबसे अदना दर्जे का जन्नत 80,000 नौकर। वो बहुत देर से निकलेगा जहन्नम से, उसका नाम जुहैना होगा। तो जब वो जन्नत में आएगा ना तो उसके उसको वेलकम करेंगे तो कहेंगे आका आप किधर रह गए, सारे जन्नती तो आ गए, आप किधर रह गए? वो कहेगा शुक्र करो मैं आ ही गया, मैं बड़ा लितर खा के आ रहे हैं। तो लितर खा के जन्नत में नहीं जाना, सीधे जाना है। यहाँ की शराब क्यों हराम की है? वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह कह रहा मैं खुद तुम्हें पिलाऊंगा शराब तहूर। यहाँ शराब क्यों हराम है? कि इंसान को पागल कर देती है, बेटी और बीवी की तमीज़ मिटा देती है। तो अल्लाह कह रहा 4 दिन सब्र कर ले, तेरा रब तुझे पेश करेगा, ये ले अपने रब के हाथों से पी शराबन तहूरा, अपने महबूब के हाथों से पिलवाएगा, आ मेरा उम्मती ये मेरे हाथों से पी। जिंदगी तो वो आ रही है, यहाँ तो ज़्यादा खा लो तो मुसीबत, कम खा लो तो मुसीबत। जाते हुए सफ़र, मेरी ज़िंदगी सफ़रों में गुजरी, सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ को टॉयलेट वेखा जो कभी पेशाब आ जाए तो बंदा, कोई सड़क तो ऐसी हो जहाँ कोई टॉयलेट नज़र आए, वज़ू की जगह नज़र आए, पेशाब एक अलग मुसीबत है और स्टूल पास करना एक अलग मुसीबत है, और वहाँ जाकर ना पेशाब है ना पखाना है, खा दी जाओ रची जाओ, ना पेशाब है ना पखाना है।
और एक कपड़े बदलने में औरतों का शौक होता है डिज़ाइनों का, तो वहाँ ना दर्जी है, ना प्रिंटिंग मिल है, ना टेक्सटाइल मिल है, और ना कोई वहाँ अल्फत क्या उसको कहते हैं मॉल है। वहाँ एक दरख्त, उसका नाम है तूबा, उसके ऊपर, चलो छोड़ दो, उसके ऊपर ऐसे फूल यूं करके नीचे लटके हुए, ऐसे यानी यूं ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। तूबा, ये आपका सब कुछ है, आपके जी में आएगा कि मुझे कपड़े बदलने हैं और इस डिज़ाइन के बदलने हैं, ये यूं सीधा होगा और इसमें से एक ऐसे रोशनी निकलेगी जैसे वो कैमरे का फ्लैश निकलता है ऐसे। उसके बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो पहले 100 कपड़े गायब हो चुके होंगे और नए 100 जोड़े आप पहन चुके होंगे, क्योंकि पूरी जन्नत में वॉशिंग मशीन कोई नहीं, सर्फ कोई नहीं, साबुन कोई नहीं, टॉयलेट कोई नहीं, गंदी नाली कोई नहीं, गटर कोई नहीं, ये सारी दुनिया की मुसीबतें हैं। ज़्यादा खा लो तो टॉयलेट भागो, कम खा लो तो सर में दर्द शुरू हो जाए। वहाँ मेरा लगा था खा मेरा बंदा, पी मेरा बंदा, वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, मैं तेरा रब तुझे पिलाऊंगा खिलाऊंगा। जब वो नौकर चले जाएंगे तो फरिश्ते आएंगे, यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, फरिश्ते आएंगे कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, जनाब हम आपको सलाम करते हैं। वो कहेंगे यार तुम तो नूरानी मखलूक हो, हमें सलाम क्यों करते हो? वो कहेंगे बिमा सबर तुम, नौजवान बड़ी गलत ज़िंदगी गुजारते थे, तुमने बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी और सब्र किया, सब्र के बदले में आपको सलाम है। जब ये सलाम का नशा बाकी होगा, फरिश्ते सलाम करें। एक हमारा ज़मींदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से मिलने चला गया, उसे 2-4 बातें हाल अहवाल की हो गई, वापस आया, लोग चौधरी साहब सुनाओ की रहा तो मुँह इंज कर लवे, चौधरी साहब दसो सही भुट्टो नाल जो गल हुई मुँह इंज कर लो, वो की हो गया जे? वो आखन लगा इसे मुँह नाल मैं भुट्टो नाल गल की थी, हूँ तुहाडे नाल भी गल कर। तो फरिश्तों का सलाम ऐसे आदमी हवा में उड़ेंगे, आए हाय 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 मेरे सिर्फ अल्फाज हैं, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखयल से फजूं तो रहे वो नज़ारा। अब जो हदीस बताने लगा हूँ इसको सोचो भी तो समझ में नहीं आएगी, ऐसे मेरे रब का अर्श खुलेगा और अल्लाह मुस्कुराता हुआ अपने खूबसूरत चेहरे के साथ सामने आएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, मेरे बंदे बंदियों आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। तो पूछेगा अल्लाह हल रदी तुम, खुश हो? कहेंगे या अल्लाह मौजा लग गई हैं, बड़े खुश हो। तो अल्लाह कहेगा कुछ मांगो? कहेंगे राजी हो जा। वो कहेगा राजी हूँ तो यहाँ बिठाया, नहीं तो थे ना तुम खल्ले मार रहे हों दोजा फिज, मैं राजी हूँ कुछ मांगो। कहेंगे या अल्लाह जब हम लाहौर में थे ना नमाज़ें पढ़ते थे पर बेढंगी सी थी, हमें तो पता ही नहीं था तू इतना खूबसूरत है, तो आज हम तुम्हें देखकर एक सजदा करना चाहते हैं, तुम्हें देखते हुए एक सजदा करना चाहते हैं। हाय हाय हाय, तुम्हारा रब कहेगा मेरे बंदो लाहौर में तुम मेरे ग़ुलाम थे, मैं आका था, आज मेरी जन्नत में तुम मेरे मेहमान हो और मैं मेज़बान हूँ, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता, मैं मेहमान बन के आया हूँ, मुझे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो अल्लाह कहेगा तुम मेरे मेहमान हो, कुलू वशरबू हनिया बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्याम अल-खालिया, जाओ खाओ पियो मौज करो, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। मेरे बच्चों एक ज़िंदगी आगे आ रही है, उसकी तैयारी करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, मेरी तरह बिस्मिल्लाह से किताब ना खोलो बल्कि वाकई किताब खोलो, और अल्लाह ताला आप इकट्ठे लड़के लड़कियां पढ़ते हैं अपनी नज़रों की हिफाजत करना सीखो और एक हद अपने दरमियान कायम रखो, और जो अल्लाह ने एक ताल्लुक बनाया है शरण निकाह का अपने वालदैन की मर्ज़ी के साथ, उनकी दुआएं लेकर ये कदम उठाओ। ऐसे दलेर ना हो जाओ कि बस मेरी पसंद है मैंने शादी करनी है, नहीं तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा, बेबरकत होती हैं वो ज़िंदगियाँ
जिनके साथ माँ बाप की दुआएं नहीं होती। नाकाम होती हैं वो जिंदगियां जो माँ बाप की दुआ नहीं ले सकता। अपने उस्तादों का अदब करो, जिनसे पढ़ते हो वो तुम्हारी ज़िंदगी भर के तुम्हारे आका हैं। हज़रत मौला अली का फरमान है कि जो मुझे एक हर्फ पढ़ा दे मैं उसका गुलाम हूँ, जहाँ चाहे बेचता, जहाँ चाहे बेचता। और ये तबलीग का खूबसूरत काम है, मेरी बिस्मिल्लाह यहाँ से हुई थी, आपको भी कहता हूँ कि 3 दिन सिर्फ जाया करो जमात, ज़्यादा नहीं, लॉन्ग वीकेंड आ जाए 3 दिन। आजकल तो वैसे ही 3 दिन पढ़ाई है, 3 दिन बंद है, ऐसी मंडे को। हाँ, तो आप लोग 3 दिन जमात में जाया करो। आए मिलकर भूख मिटाए, बुझे हुए चूल्हे फिर से जलाए, ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हज़ारों अफराद आपकी मदद के मुंतज़र हैं। आगे बढ़ें और उनकी उम्मीद बने, अपने सदकात और अतियात NTJ फाउंडेशन तक पहुँचाएँ।